जय बाला जी, वेलकम बैक टू कोड राइटर। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो अरे हमारी आज जो है वीडियो होने वाली है, पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। इसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे। तो जो हमारी यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंग की, ये इसको मैं करने जा रहा हूँ दिल्ली से, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, वो सारे मैं कवर करूंगा बाय बाइक। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे माइंड में ये कहाँ से आया, और मैं 12 ज्योतिर्लिंग जो है इसको करने का आइडिया मेरे माइंड में कहाँ से आया। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग होता क्या है। तो सब ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ज्योतिर्लिंग, तो जो उसमें लिंग है, जो ऐसे शिवलिंग होता है उसका। तो जो शिव जी के 12 अवतार थे, उन्होंने जो हमारे इंडिया में आए, वो नीचे स्वर्ग में, स्वर्ग से धरती पर आए, तो उन्होंने ऐसे 12 जैसे हैं, जैसे सोमनाथ, केदारनाथ और भी ऐसे 12 हमारे ज्योतिर्लिंग है पूरे, वहाँ पर वो आए। और उन्होंने जब वो वापसी गए तो उनके रूप में एक शिवलिंग उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। तो इसके बारे में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम सारे एक एक जगह पर जाके आपको उनकी हिस्ट्री, उसके बारे में कि मतलब इसका क्या था, इतिहास क्या रहा है, और क्या क्यों लोग इसको पूछते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कवर करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपको घर बैठे पूरे आपको जो हमारी यात्रा है आपको देखने को मिलेगी एक ही सीरीज के अंदर। तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको कब, मतलब अभी तो मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो होने वाला है पहला ज्योतिर्लिंग, वो होने वाला है महाकाल उज्जैन। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हम लोग निकल गए होंगे राइड पे अपनी। तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हम बाइक से कवर करेंगे, और इसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है, मेरे को नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा, और एक वन गो में नहीं करने वाला मैं कि अभी गया और सीधा 12 ज्योतिर्लिंग घूम के आ गया, नहीं। मैं भी जॉब करता हूँ और सब कुछ देख के चलना पड़ता, सारी चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो जैसा जैसा होगा अपनी साइड से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द मैं कवर करूँ, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं इनको सारा कुछ कवर करने की कोशिश मैं करूँगा में। पर अब हमारा जो है, अब आते हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे होते कौन कौन से हैं। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये कहाँ पर स्थित है और इनके नाम क्या क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है वो है सोमनाथ गुजरात में, दूसरा है मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, चौथा है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, पाँचवा है केदारनाथ उत्तराखंड, छठा है भीमा शंकर महाराष्ट्र, सेवंथ है काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, आठवां है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, नौवां है बैद्यनाथ झारखंड में, दसवां है नागेश्वर गुजरात में, ग्यारहवां है रामेश्वरम तमिलनाडु में, बारहवां है गणेश्वर महाराष्ट्र में। तो ये थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया में है, और सारे डेडिकेटेड है हमारे महादेव को। तो जो महादेव ने आकर यहाँ पे अवतार लिया, इसके बारे में सबको आपको बताऊंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे माइंड में ये कहाँ से आया कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। इसमें देखो कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से किसी ने नहीं किया तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इवन मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, और मेरे पास बिल्कुल कुछ भी प्लान नहीं है। बस एक भगवान पे भरोसा है, महादेव पे भरोसा है कि मैं बस कर लूंगा, कि अब मैं इस चीज़ में घुसा हूँ तो कैसे ना कैसे वो रास्ता मेरे को दिखाएंगे और मैं कहीं ना कहीं इसको कर लूंगा। पर अभी मेरा मतलब खुद का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, क्या होता है फाइनेंशियली, मतलब सबको देख के चलना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। पर एक अंदर एक आस है उसको करने की, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैं कैलाश पर्वत के बारे में स्टडी कर रहा था, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर स्थित है और कैसे हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते। तो काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में मतलब महादेव को लेके एकदम से बोलते हैं प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ी जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने मेरे को बोला, इंटरनली वो चीज़ मेरे अंदर आती रही। और दो तीन दिन से मेरे को सपना आ रहा है कि लाइक मैं अभी केदारनाथ जब से होके आया हूँ, मेरे मन को इतनी शांति मिली, और तब से कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा घट रहा है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि महादेव कहीं ना कहीं मेरे को देख रहे हैं और मेरे साथ ही है। तो ऐसा मेरे को फील हुआ कि जब मेरे से दो तीन दिन लगातार मेरे को ना सपने में शिवलिंग दिखे, तो उसमें मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, मतलब एक इंटरनली मन में आया। तो मैंने तब प्लान बनाया। अब मेरे को नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा और कब करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबी राइड होने वाली है। क्योंकि जो हमारे हैं पूरा अगर देखा जाए ऑल ओवर, अगर मैं कैलकुलेट करूँ 12 ज्योतिर्लिंग, तो ये कम से कम अराउंड 50-60 हज़ार किलोमीटर्स की राइड हो सकती है। इतना सारा कुछ है 12 ज्योतिर्लिंग से, मैं फ्लाइट से भी कर सकता हूँ या ट्रेन वगैरह से भी, मतलब जो इजीली मैं कर सकता हूँ, मैं बाइक से ही क्यों कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि किसी ने नहीं किया तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। मेरे को ये लगता है कि जैसे हम राइड पे कहीं जाते हैं मनाली वगैरह इधर उधर, तो मेरा मन करता है कि यार नहीं, ये सब तो ऑलरेडी सब लोग कर चुके हैं और इसमें कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ नया जगह पर जाओ जहाँ पर किसी ने नहीं करा हो बाइक से, तो मेरे को एक माइंड में ये आया। और मतलब मेरा मन में यह था कि मतलब हमारी राइड भी होती, जैसे राइड बाइक राइड बहुत पसंद है मेरे को, तो राइड वगैरह मैं ज़्यादा करता हूँ। तो मेरा मन यह था कि कहीं और ना जाके अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग बाइक से कवर करते हैं तो वो हमारे को ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा। पर इतना लंबा हम एक साथ में नहीं कर सकते, तो अपनी साइड से बिल्कुल बेस्ट करेंगे। और मेरे को नहीं पता कि मैं कब करूँगा क्या करूँगा, बट हाँ एक सीरीज में डालता रहूँगा इसको साथ साथ जैसे जैसे करता रहूँगा। तो बस आप लोग बने रहिएगा और प्यार देते रहिएगा अपना। बस अब इस वीडियो करते हैं पर एंड, और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हम निकल चुके होंगे अपनी राइड पे। तो जो पहला मैं कवर कर रहा हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला मैं करने वाला हूँ महाकालेश्वर,
उसके बाद मैं कर रहा हूँ ओमकारेश्वर, ये दोनों साथ में करूंगा, और जो नेक्स्ट होगा उसके साथ जैसा जैसा वीडियो आती रहेगी आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, ये थी हमारी कुछ इंट्रो वीडियो छोटी सी, और बस इसके साथ हम करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया।